राम राम किसान भाइयों, मैं अरविंद तोमर, आप देख रहे हैं एके किसान न्यूज यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गेहूं में कौन सी अवस्था पर कौन से घुलनशील एनपीके का स्प्रे करें और कौन सा एनपीके घुलनशील गेहूं में किस अवस्था पर क्या फायदा करता है। तो इस वीडियो में इन टॉपिकों पर हम बात करने वाले हैं, परंतु उससे पहले जो किसान मित्र हमारे चैनल पर नए आए हुए, मैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को भी लाइक कर दें। खेती बाड़ी से संबंधित और मंडी भाव की वीडियो इस चैनल के माध्यम से हम हमेशा लाते रहते हैं और इस वीडियो को किसानों के हित में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो किसान मित्रों, बात करें गेहूँ में कौन सी अवस्था पर कौन से घुलनशील एनपीके का स्प्रे करें, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं घुलनशील एनपीके 1919 के बारे में। तो यह घुलनशील एनपीके 1919 में एक समान मात्रा में किसान मित्रों नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास होता है, जो गेहूं में गेहूं के कलों के फुटाव में, गेहूं की ग्रोथ में और गेहूं में जो पीलापन है उसे हटाने में बहुत ज़्यादा किसान मित्रों काम करता है। किसान मित्रों, अगर इसकी प्रयोग की जब हम बात करें तो इसका प्रयोग आप गेहूं की अवस्था लगाओ 30 से 35 दिन की हो या आप गेहूं की अवस्था 40 से 45 दिन की हो, उस समय आप कर सकते हैं। अगर इसकी मात्रा की जब हम बात करें तो इसका आप प्रयोग 1 से 1.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से 150 से 200 लीटर पानी मिलाकर आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। अगर बात करें इसकी मार्केट में कीमत की, तो 1 किलो का जो पैकेट है वो मार्केट में किसान मित्रों आपको 80 से 90 रुपए की लगभग मार्केट में मिल जाएगा और ये मार्केट में दयाल, इफको आदि कंपनियों के मार्केट में किसान मित्रों आपको मिल जाएंगे। किसान मित्रों, आप गेहूँ की 35 से 45 दिन तक की अवस्था पर क्या प्रयोग करते हैं, क्या स्प्रे करते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे अवश्य बताएं। किसान मित्रों, अब बात कर लेते हैं एनपीके घुलनशील 0534 के बारे में। तो घुलनशील एनपीके 0534 में 0% नाइट्रोजन होती है और इसमें 12% फास्फोरस होती है तथा इसमें 34% किसान मित्रों पोटास होती है। अगर इसके फायदे की जब हम बात करें तो इसका गेहूं की फसल पर स्प्रे करने से गेहूं की बालियां लंबी, मोटी, वजनदार और दाने का भराव बालियों में किसान मित्रों, और इसके स्प्रे करने से दाना गुणवत्तापूर्ण और चमकदार किसान भाइयों हमें मिलता है और इसका स्प्रे करने से हमारी गेहूं की फसल की पैदावार किसान मित्रों बढ़ती है। किसान मित्रों, आप बात कर लेते हैं घुलनशील एनपीके 0534 के प्रयोग की, तो इसका प्रयोग गेहूं की फसल पर जब करें जब हमारे गेहूं में बालियां निकलने को हों या गमोद अवस्था पर गेहूं की हो, उस समय आप इसका स्प्रे करते हैं तो गेहूं में इसका रिजल्ट किसान मित्रों हमें अच्छा मिलता है। अगर बात करें इसकी मात्रा की, तो 1 से 1.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से 150 से 200 लीटर पानी में मिलाकर इसका गेहूं की फसल पर आप स्प्रे करा सकते हैं। अगर बात करें इसकी कीमत की, तो 1 किलो का जो पैकेट है वो मार्केट में किसान मित्रों हमें लगभग 140 रुपये से 150 रुपये की लगभग मिल जाएगा। किसान मित्रों, आप अपने गेहूं में गमोद अवस्था पर कौन सा खाद तथा कौन सी स्प्रे करते हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। किसान मित्रों, आप बात कर लेते हैं घुलनशील एनपीके 0050 के बारे में। तो किसान मित्रों, घुलनशील एनपीके 0050 में 0% नाइट्रोजन होती है और 0% फास्फोरस होती है और इसमें 50% पोटास होने के कारण किसान मित्रों यह गेहूं में फायदे की जब हम बात करें तो इसका स्प्रे गेहूं में करने से गेहूं में दाना मोटा, चमकीला, वजनदार बनता है और इसके कारण स्प्रे करने से गेहूं की भंडारण क्षमता किसान मित्रों बढ़ जाती है और इसका स्प्रे गेहूं की फसल पर जब करें जब गेहूं में परागण की क्रिया पूर्ण हो चुकी हो और बालियों में दाना किसान मित्रों बन गया हो, उस समय आप गेहूं की फसल पर एनपीके 0050 का आप गेहूं की फसल पर स्प्रे कर सकते हैं। किसान मित्रों, अगर इसकी मात्रा की जब हम बात करें तो 1 से 1.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से 150 से 200 लीटर पानी मिलाकर इसका गेहूं की फसल पर स्प्रे करा सकते हैं और मार्केट में ये इफको और दयाल कंपनी का और एरिज कंपनी का मिल जाता है। किसान मित्रों, अगर इसकी कीमत की जब हम बात करें तो 1 किलो का जो पैकेट है मार्केट में आपको 90 से 100 रुपए की लगभग आपको मिल जाए। तो किसान मित्रों, मेरे बताए अनुसार गेहूं की फसल में आप घुलनशील एनपीके 1919 और 0534 तथा 0050 का आप गेहूं की फसल पर विभिन्न अवस्थाओं पर आप स्प्रे कराते हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि उस गेहूं की फसल से आप एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो किसान मित्रों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। फिर मिलता हूँ नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।